If you want to know someone's mind, then listen to their words. And if you want to know someone's heart, then watch their action. ये शब्द हैं गौतम बुद्धा के. तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बोधगया, जो कि लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोधगया कैसे जाएं, वहाँ कहाँ रहें, क्या क्या ऐसी कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं. और साथ के साथ मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा बोधगया के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहां हम खाएं क्या, क्योंकि भाई पेट पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मिलते हैं आगे. तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू रीच गया. बेसिकली आपको उतरना है गया रेलवे स्टेशन, और गया रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो वाले या टैक्सी वाले मिल जाएंगे. दिल चार्ज अराउंड 500 to 800, और अगर आप शेयरिंग से जाओगे तो शेयरिंग में और सस्ता पड़ेगा, अराउंड 50-60 रुपीज़. तो वहाँ से आप आ सकते हो. बसेस भी है अच्छे से, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. एंड आप अगर अपनी कार से आना चाहते हो तो वैसे भी आ सकते हो. यहाँ बोधगया आके आपको जहाँ जहाँ घूमना है, आप सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि आप ई रिक्शा ले लो. और ई रिक्शा में भैया कितना चार्ज करते हैं पूरा घुमाने का? 350-300 रुपये. तो 350-300 रुपये डिपेंड करेगा कि कैसा सीज़न है. तो 350-300 रुपये में ये आपको पूरा सारे स्पॉट्स घुमा देंगे, और बहुत ही इजीली घुमाएंगे. काफ़ी सारी चीज़ें इनको पता रहती है पहले से ही. और क्या खाना है यहाँ पे, बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आप खाना चाहते हो. बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं. अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो CCD भी है यहाँ पे, डोमिनोज भी है. वाले हैं वो है 80 फिट टेम्पल, और वो है इंडिया में सबसे बड़ी जो बुद्ध की प्रतिमा है वो यही है. ये टोटल इसकी हाइट जो बताया जाता है ऐसा कि ये 80 फिट है. 83 बाहर अगर आप निकलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग करने की चीज़ें हैं. आप घर के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो. साथ ही साथ अगर आप बाइक लवर हो या कार लवर हो तो ये फ्लैग ले सकते हो. भैया कितने का है? 80 रुपये का. और ये छोटा वाला, ये 30 का है और ये 80 का है. इस पर लिखा हुआ क्या रहता है? ओम मानी. ओके
कुछ ऐसा है और ये इस पे लिखा हुआ है ओम मां नी पद्मे हम। ओके और आप अपने कार पे लगाओगे तो ये काफी सेक्सी लगेगा। एंड इस फ्लैग को किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो सबसे पहले 80 फीट घूमने के बाद आपको उसके जस्ट बगल में एक कर्मा टेम्पल मिलेगा। ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। तो ये है वो मेरे पीछे और इसका व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। So this is the inside view of Karma Temple and आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही सुंदर है। तो 80 फीट और कर्मा टेम्पल घूमने के बाद आप वहाँ आसपास बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज हैं उसमें भी जा सकते हैं। और अब हम वहाँ से आ गए हैं मेन टेम्पल, ठीक है, अराउंड 1 किलोमीटर होगा। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको फ़ोन आपका सबमिट करना होगा, आपके पास जितने भी आपके वॉलेट हैं या आपके पास कुछ ऐसा सामान है, बैग वैग है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो अभी हम जा रहे हैं और चप्पल जूते भी, हाँ, तो इसको अब सबमिट करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद हम जाएंगे आगे मेन टेम्पल में। आप जस्ट मेन टेम्पल के बगल में एक और इसको तिब्बतियन टेम्पल भी कहते हैं और ये काफी सुंदर है। अभी चलते हैं इसके अंदर। थक गए हो और आपने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे कवर कर लिए हो, आप चाहते हैं कि थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया जाए या अपने दोस्तों के साथ घूमा जाए, तो आप इस पार्क में आ सकते हो। ये जस्ट मेन टेम्पल के बगल में है और इसमें एंट्री फी लगेगी आपको 10 रुपए और काफी सुंदर सा पार्क है। आप बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, काफी मजा आएगा। आप बैठ के बहुत देर बात कर सकते हो, अपने आपकी जो थकान हो गई आपकी वो आप यहाँ पे मिटा सकते हो। अभी हम हैं मेटा बुद्धा टेम्पल के सामने और मेटा बुद्धा टेम्पल की खासियत यह है कि ये पूरा वाइट है। अब जहाँ भी देखिएगा पूरा वाइट है। कोविड की वजह से इसमें अभी एंट्री बंद है,
बट अगर आप अगर आएँ और एंट्री अगर मिले तो इस टेम्पल पे बहुत ज़रूर जाइएगा और यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करवाइए। कहाँ पे रहें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कोई एज सच इतना वो है नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको बजट होटल मिल जाएंगे और अगर आप अच्छा होटल अगर आप देखना चाहते हैं तो अच्छे होटल्स भी ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप स्पॉट पे जाके भी बुकिंग्स कर सकते हैं, होटल्स ले सकते हैं। तो काफ़ी सही जगह है ये, प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और मज़ा आएगा आपको।